हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के जनजाति व्यक्तित्व हम कवर करेंगे। ये जनजाति नेता जो है वो, या फिर आप इनको आदिवासी नेता व्यक्तित्व आप बोल लीजिएगा। देखिए, यहाँ से अभी एक दिन क्वेश्चन बना था, इसके पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं आदिवासी जनजाति नेताओं से व्यक्तित्व से, तो इनको हम एक नजर देख लेते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो है करंट से भी रिलेटेड इस साल रहा है तांडिया बिल वगैरह, तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, राजा शंकर साहा, तो इस तरह से क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। वीडियो पर पहली बार विजिट किया है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा। इस वीडियो के पीडीएफ फाइल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। फाइनली अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहले सबसे पहले बात होती है हमारी टांटिया भील के बारे में। टांटिया जो भील है, इनका जन्म 1842-40 में हुआ था। कुछ लोग कहीं बुक्स में आपको 40 दिखेगा, कहीं 42 दिखेगा, तो आप 42 हमें ज्यादातर मिला है, तो 42 ही इसका सही जवाब होना चाहिए। बाकी हमने दोनों सिचुएशन आपके सामने यहाँ पर बता दिए। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपने गलत बताया है। देखिए, टांटिया भील का जो जन्म 1842 में पश्चिमी निमाड़ के वीरी गांव में हुआ था। इन्हें टांटिया मामा के नाम से जाना जाता है। भील जनजाति के लोग टांटिया भील को एक देवता की तरह पूजते हैं और गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुणता हासिल इनको थी टांटिया भील को। टांटिया भील को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी जननायक कहा जाता है। नोट डाउन कीजिएगा फैक्ट को। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर चलाया था। 4 दिसंबर 1889 को टांटिया भील को फांसी दे दी गई थी। और टांटिया भील को अंग्रेज इंडियन रॉबिनहुड के नाम से बुलाते थे। तो एक चीज आप याद रखिएगा, टांटिया भील को अंग्रेज जो होते हैं ये इंडियन रॉबिनहुड के नाम से जानते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन में मिले कि इंडियन रॉबिनहुड के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये टांटिया भील आपका सही जवाब रहेगा। एक और है आपके निमाड़ के रॉबिनहुड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। निमाड़ वाला है वो अलग है, वो आगे हम आपको कवर करवाएंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवा को जननायक टांटिया भील सम्मान प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत 1,00,000 रुपए की सम्मान निधि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ये डिटेल है आपकी स्टेटिक जीके वाली, जिससे आपके टांटिया भील से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। अब हम बात करते हैं 2021 के करंट में, जिसमें टांटिया भील के नाम के ऊपर कुछ चीजें हुई है, उसको हम एक नजर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 53 करोड़ की लागत से बस स्टैंड रेलवे स्टेशन जो पातालपानी स्टेशन है, इसका जो नाम किया गया है, ये 53 करोड़ की लागत से बन रहा है और इसका नाम टांटिया मामा के नाम पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा, पातालपानी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों जगहों का नाम रखा गया है इंदौर में। एक चौराहे का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। क्लियर है? तो 4 दिसंबर को टांटिया भील का बलिदान दिवस मनाया गया, 4 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश में। यहाँ गाइस, एक यहाँ पर स्कूल है मानपुरा के प्राथमिक स्कूल, इसका जो नाम रखा गया है ये टांटिया भील के नाम पर रखा गया है, ये चीज आप याद रखिएगा। इसके अलावा इंदौर में जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है, इनका नाम भी टांटिया भील के नाम पर रखा गया है। साथ ही भंवर कुआं चौराहा है जो है, इसका नाम जननायक टांटिया मामा के नाम पर रखा गया है। तो इन सभी चीजों का आप एक बार नाम आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसको हमने ई बुक हमारी है 2021 की एमपी करंट अफेयर की, उसमें काफी डीपली और अच्छे तरीके से कवर करवाया है, तो आप वहां पर भी अगर परचेज कर रखिए तो वहां पर भी जाकर आप पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिरसा गोंड। बिरसा गोंड, देखिए बिरसा जो गोंड है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी आदिवासी नेता ये थे। 19 अगस्त 1942 को बिरसा गोंड और अन्य क्रांतिकारियों ने मिलकर बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर आंदोलन इन्होंने किया था। इस दौरान पुलिस द्वारा बिना चेतावनी के गोली चलाने के कारण बिरसा गोंड की मृत्यु हो गई थी। तो घोड़ा डोंगरी में जो आंदोलन किया था, इसके दौरान ही इनकी जो है ये शहीद हुए थे बिरसा गोंड। नेक्स्ट है शंकर साह, राजा शंकर साह। इनसे करंट का क्वेश्चन अभी बना था 2021 में, आपने अगर करंट का वीडियो देखिए तो आपको पता होगा। शंकर साह गढ़मंडला के गोंड शासक शंकर साह जो थे, इनका जन्म कहाँ कब हुआ? इनका जन्म हुआ है 1783 में जबलपुर में। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो शंकर साह के द्वारा ही किया गया था। अंग्रेजों ने अपने मुख्य विरोध राजा शंकर साह के गद्दारों के साथ मिलकर 14 सितंबर 1857 को राजा शंकर साह, कुंवर रघुनाथ साह और अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। राजा शंकर साह और रघुनाथ साह पर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था। 18 सितंबर 1857 डेट आप याद रखिएगा, 18 सितंबर 1857 को दोनों को तोप के मुंह पर बांधकर तोप चला दी गई थी, राजा शंकर साह और कुंवर रघुनाथ साह को, दोनों को। गाइस, इनके ऊपर एक क्वेश्चन भी बना है करंट का हमारा, कि छिंदवाड़ा जो विश्वविद्यालय है, इसका नाम राजा शंकर साह विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है। एक दो चीजें और इनके नाम पर हुई है, राजा शंकर साह और आपके जो कुंवर रघुनाथ साह है, इनके नाम के ऊपर। तो हम ई बुक हमारी जो है स्पेशल, उसमें कवर करवा चुके। बार बार ये चीजें हम आपको नहीं बताएंगे, आप एडिटेड होते हैं हमें पता है, बट आपको बताना जरूरी है ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल पाए कि कहाँ पर हमने इसको डिटेल में बताया।
अब हम बात करते हैं जनगढ़ सिंह श्याम की। देखिए जनगढ़ सिंह जो श्याम है, इनका जन्म डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में 1962 में हुआ था। गोंड जनजाति की उपजाति परधन सब गोंड ये हैं जनगण सिंह श्याम, और गोंड चित्रकार ये थे। इसके अलावा इन्होंने गोंड चित्रकला में सर्वप्रथम कागज और कैनवास का उपयोग किया था। देखिए गोंड चित्रकला की यहाँ पर भी बात की जा रही है, अगर भील चित्रकला की बात की जाए तो वो भूरी भाई आपका रहेगा, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। तो गोंड चित्रकला पर कागज, सर्वप्रथम कागज और कैनवास का उपयोग किसने किया था, ये किया था जनगण सिंह श्याम ने। गोंड चित्रकला में हुए नए इस नए उपयोग को जनगण कलाम कहा गया है, जनगण कलाम। इसलिए इन्हें भारतीय कला के एक नए स्कूल जनगण कलाम का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट है जनगण सिंह श्याम के चित्रों में गोंड देवता की प्रमुखता देखने को मिलती है। जनगण सिंह श्याम को 1986 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया और 2001 में देहांत दिन का हो गया, जनगण सिंह श्याम का देहांत 2001 में जापान में स्थित मिथिला संग्रहालय में निधन हुआ था। नेक्स्ट है संग्राम शाह। देखिये संग्राम शाह जो है ये गोंड वंश के 48वें शासक थे। गोंड वंश के 48वें शासक कौन थे, संग्राम शाह। 1482 से 1532 के बीच में इन्होंने शासन किया है और इनका ये रहा है कार्यकाल। इसके अलावा गए संग्राम शाह का मूल नाम अमनदास था, ये आप याद रखिएगा। 52 गढ़ों यानी किलों को जीतने के बाद इन्होंने खुद को संग्राम शाह की उपाधि दी थी। इनका मूल नाम अमनदास था और 52 गढ़ों यानी किलों को जीतने के बाद किसने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी, तो ये की थी अमनदास ने, संग्राम शाह ने। आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट, क्योंकि डिटेल क्वेश्चन बन रहे तो ये आपको चीजें तो बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है दलपत शाह। देखिए दलपत शाह का जन्म गढ़मंडला में हुआ था। इनके पिता संग्राम शाह थे, ये हम कवर किया है, यही इनके पिता थे दलपत शाह के। दलपत शाह गोंड वंश के शासक थे। दलपत शाह का विवाह राजकुमारी दुर्गावती के से हुआ था, जो कि एक वीरांगना थी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रानी दुर्गावती के बारे में। रानी दुर्गावती गोंड शासक दलपत शाह की पत्नी थी। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने 16 साल 1548 से 1564 तक शासन किया था। 24 जून 1564 को मुगलों से लड़ते हुए वीरांगना जो रानी दुर्गावती थी ये शहीद हो गई थी। तो ये कब हुई थी, 24 जून 1564 को। नेक्स्ट है धीर सिंह। रीवा राज्य में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे धीर सिंह बघेल। धीरज सिंह भी इनको जाना जाता है। इनका जन्म 1820 में रीवा के कछिया टोला गाँव में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता ये थे रीवा राज्य में। नेक्स्ट है झलकारी बाई। झलकारी बाई साहब एक दिन क्वेश्चन बना था आपका। झलकारी बाई का जन्म कोरी समाज में 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास स्थित भोजला गांव में हुआ था। झलकारी बाई महारानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। फिरोज ने पीर अली और दुल्हाजू की सहायता से झलकारी बाई को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन झलकारी बाई उनकी पकड़ से भाग निकली और 4 अप्रैल 1857 को स्वयं ही अपनी पेट में बरसे गोपकर अपने प्राण इन्होंने दे दिए थे झलकारी बाई ने। झलकारी बाई की समाधि कहाँ पर है, तो ग्वालियर में स्थित है झलकारी बाई की समाधि। क्लियर है। नेक्स्ट है रानी अवंती बाई। रानी अवंती बाई और एक और चीज आप याद रखिएगा झलकारी बाई से, ये लक्ष्मी बाई महारानी लक्ष्मी बाई जो है इनकी सहायिका थी झलकारी बाई। क्लियर है। नेक्स्ट है रानी अवंती बाई। रानी अवंती बाई का जन्म लोधी वंश में 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनखेड़ी गाँव में हुआ था। मात्र 17 वर्ष की आयु में रानी अवंती बाई का विवाह रामगढ़ रियासत मंडला के राजा विक्रमादित्य के साथ में हुआ था। राजा विक्रमादित्य के निधन के बाद रानी अवंती बाई ने राज भार संभाला था। क्लियर है, इनके निधन के बाद में। और देवारगढ़ के जंगल में रानी अवंती बाई और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के दौरान 20 मार्च 1858 को रानी अवंती बाई ने अंग्रेजों के हाथ लगने के बजाय खुद को ही अपनी तलवार से शहीद कर लिया था। रानी अवंती बाई 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम महिला वीरांगना है, ये आप नोट डाउन कीजिएगा फैक्ट। महारानी अवंती बाई या फिर रानी अवंती बाई 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम महिला वीरांगना है। अगर क्वेश्चन आपसे मिले कि मध्य प्रदेश के मंगल पांडे किसे कहा जाता है, तो चेन सिंह को कहा जाता है, कुंवर चेन सिंह को, क्योंकि 1857 की क्रांति में ये जो है मध्य प्रदेश से पहले शहीद हुए थे। तो अगर आपसे महिला पूछा जाए तो इनका नाम है रानी अवंती बाई। रानी अवंती बाई की समाधि डिंडोरी जिले के पास शाहपुर के पास बालपुर गाँव में स्थित है। तो ये आप नोट डाउन कीजिएगा, सारी डिटेल आपको एक एक पॉइंट याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट है सरदार गंजन सिंह कोरको। गंजन सिंह कोरको का जन्म बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी के पास छतरपुर गांव में हुआ था। महात्मा गांधी जी के कहने पर 1930 में गंजन सिंह कोरको ने घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में आदिवासियों का नेतृत्व किया था। किसके कहने पर, गांधी जी के कहने पर, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। 1930 में इन्होंने किया था। इस जंगल सत्याग्रह को टूरिया जंगल सत्याग्रह भी कहा जाता है। गंजन सिंह कोरको का देहांत कब हुआ, 1963 में। नेक्स्ट है भीमा नायक। गाइस भीमा नायक भील जनजाति के एक प्रमुख नेता थे। इन्होंने बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। भीमा नायक का जन्म 1840 में मध्य प्रदेश के पश्चिमी निवार रियासत के तहत आने वाला बड़वानी के पंचमोहली गांव में हुआ था। भीमा नायक का जन्म 1840 में। 1857 में के आंबा पानी
अंबापानी में युद्ध के दौरान के युद्ध में भीमा नायक ने महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी 1857 में अंबापानी के युद्ध में। अंग्रेजों ने मुखबिरों के सहयोग से 2 अप्रैल 1868 को भीमा नायक को सतपुड़ा के जंगलों में से पकड़ लिया था। उन्हें काला पानी की सजा के लिए अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। भीमा नायक को 29 दिसंबर 1876 को अंडमान में ही फांसी दे दी गई थी। तो काला पानी की जो सजा हुई थी ये किसे हुई थी? ये भीमा नायक को हुई थी, इनके बारे में आप याद रखिएगा। और आदिवासियों को सेठ और साहूकार के शोषण और अत्याचार से बचाने के लिए भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है। इंडियन रॉबिनहुड की बात की जाए तो तांटिया भील रहेगा, निमाड़ का रॉबिनहुड अगर आपसे पूछा जाए तो ये रहेंगे आपके भीमा नायक। और इन दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि एक एक चीज हम आपको क्लियर बता चुके हैं। बड़वानी जिले के धुंधावा बावड़ी गांव में भीमा नायक का स्मारक स्थल स्थित है। तो ये कहां पर है? इनका स्थल स्मारक बड़वानी जिले में। यह प्रतिमा भी आपको दे सकता है। नेक्स्ट है ख्वाजा नायक। ख्वाजा नायक बेल जनजाति के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। जन्म निमाड़ क्षेत्र के सांगली गांव में हुआ था इनका। इनके पिता की मृत्यु के पश्चात ख्वाजा नायक को अंग्रेज की भील पर्यटन में चौकीदार बनाया गया था। चौकीदार की नौकरी के दौरान ही ख्वाजा नायक द्वारा एक अपराधी को मार दिए जाने के कारण उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी, परंतु अच्छे व्यवहार के कारण ख्वाजा नायक को 5 साल बाद रिहा कर दिया गया था। 1857 की क्रांति में ख्वाजा नायक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अंग्रेजों ने ख्वाजा नायक पर ₹1,000 का इनाम घोषित किया था। 11 अप्रैल 1858 को आंबापानी के युद्ध में ख्वाजा नायक को ब्रिटिश कर्नल जेम्स आउटराम ने मार दिया था, यानी इनको देहांत हो गया था, इनका शहीद ये हुआ था, ये चीजें आप याद रखिएगा। इस युद्ध में ख्वाजा नायक के पुत्र दौलत सिंह भी शहीद हुए थे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को ख्वाजा नायक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 11 अप्रैल को। नेक्स्ट है पेमा भाटिया। पेमा भाटिया जो है भील जनजाति के प्रसिद्ध चित्रकार है। पेमा भाटिया, इनका जन्म चंद्रशेखर आजाद नगर यानी आपका जो झाबुआ जिले का भाभरा गांव है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है, तो भाभरा में इनका जन्म हुआ है, झाबुआ जिले में, ध्यान रखिएगा। अब ये अलीराजपुर जिले में आता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। पेमा भाटिया भील आदिवासियों के प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। तो पिथौरा चित्रकला के चित्रकार कौन है? ऑप्शन आपको मिलेंगे, देखिए आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन पिथौरा चित्रकला के चित्रकार हैं। क्लियर है? ऑप्शन आपको मिलेगा पेमा भाटिया, भूरीबाई, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन मिलेंगे आपको, गंजन सिंह कोरकोई वगैरह, और उपरोक्त दोनों या कोई नहीं, इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको पेमा भाटिया और भूरीबाई दोनों लगाने, क्योंकि भूरीबाई जो है उनसे क्वेश्चन बन चुका है कि भूरीबाई किस चित्रकला से संबंधित है, पिथौरा चित्रकला से उनका भी संबंध है, पेमा भाटिया का भी इसी से, ये दोनों भील आदिवासी समूह से आते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार ये है पिथौरा के, और पिथौरा चित्रकला को पिथौरा नाम से भी जाना जाता है। पिथौरा चित्रकला भारत की एकमात्र ऐसी चित्रकला है जिसमें ध्वनि सुनना, उसे समझना और फिर लेखन से उसे चित्र बनाना होता है। पहले ध्वनि सुनना, उसे समझना, फिर लेखन से उसे चित्र बनाना होता है। ये भारत की एकमात्र ऐसी चित्रकला है। पेमा भाटिया मध्य प्रदेश शासन ने साल 1986 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया था। साल 2017 में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा तुलसी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। 31 मार्च 2020 को पेमा भाटिया का निधन हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको, तो इनसे क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं भूरीबाई की। भूरीबाई का जन्म झाबुआ जिले के पिटोला गांव में हुआ। यह अभील जनजाति में से संबंधित है। भूरीबाई पिथौरा चित्रकला की एक प्रसिद्ध चित्रकार है, और सबसे पहले भील जनजाति में सबसे पहले कागज और कैनवास का जो चित्र उकेरा है ये भूरीबाई ने ही उकेरा है, ध्यान रखिएगा। 2021 में पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन के सर्वोच्च शिखर सम्मान 1986-87 तथा देवी अहिल्या जो सम्मान है 1998 में इनको दिया गया है, भूरीबाई याद रखिएगा। नेक्स्ट है जमुना देवी। जमुना देवी का जन्म धार जिले के सरदारपुर में 19 नवंबर 1929 को हुआ था। सरदारपुर अभयारण्य भी है यहीं पर धार में, तो वो भी हमने आपको रिकॉल करवा दिया। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? धार जिले के सरदारपुर में 19 नवंबर 1929 को। इन्हें बुआजी के नाम से जाना जाता है। देखिए उपनाम वाली वीडियो जो हम बनाई है इसमें एक और चीज आप याद करिएगा कि आप जो बुआजी के नाम से किसे जाना जाता है, ये जमुना देवी को जाना जाता है। ये कौन थी? ये जमुना देवी जो है मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष की नेता भी ये रही थी जमुना देवी। जमुना देवी को 2001 में भारत ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका निधन कब हुआ है? 24 सितंबर को 2010 में। नेक्स्ट है दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया का जन्म झाबुआ जिले में हुआ है 18 जून को 1944 में। 6 सांसद ये रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया अखिल भारतीय सहकारी संघ के सदस्य भी रहे हैं। दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में तेंदुपत्ता नीति बनाने के लिए भूरिया कमेटी बनाई गई थी जिसके अनुशंसा पर मध्य प्रदेश की तेंदुपत्ता जो नीति है लागू हुई थी। दिलीप सिंह भूरिया का निधन कब हुआ है? 24 जून को 2015। नेक्स्ट है कांतिलाल भूरिया।
कांतिलाल भूरिया का जन्म झाबुआ में 1 जून 1950 को हुआ था। 5 बार सांसद रहे थे। कांतिलाल भूरिया वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक के पद पर निर्वाचित हैं। तो ये डिटेल है आपकी मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता और व्यक्तित्व के बारे में, हमने पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर आपको बताया है। यहाँ अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम आपके लिए इतना ज्यादा कंटेंट ले रखते आ रहा है। काफी ज्यादा इसमें चीजें लगती है और काफी ज्यादा मेहनत लगती है एक एक चीजों को रीचेक करने में, इसके अलावा मेंशन करने में, सारी डिटेल को मिलाकर और अच्छे अच्छे फैक्ट डालने की, और जो काम के नहीं रहते हैं उनको हम डालते ही नहीं है। जो जो चीजें आपके काम की रहती है उन सभी को निकाल कर हम यहाँ पर व्यवस्थित रूप से आपके लिए लेकर आते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है गाइस कि इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नए स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।